मेरे लिए वफा से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे वो मेरे करीब हो या मुझसे दूर। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। हम दोनों 23 जुलाई से मंगल शाम 8 बजे वो इतना लापरवाह और बेखबर, एक फोन करके अपने भाई की खैरियत तक मालूम नहीं की। अभी वो लड़की हमारे घर में आई नहीं, और शहरयार इतना लापरवाह हो गया। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलके वहां जाते हैं, ऐसे शहरयार भाई को लगेगा कि हम मान गए। वहां जाके आप उनकी ऐसी बेइज्जती कीजिएगा कि आपका नाम भी ना आए और वो रिश्ते से खुद ही इनकार कर दें। अच्छा, मजे की बात ये थी कि मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। अब खुश हो ना? जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ। और मम्मी, आप वाकई मान गए जाने के लिए? एमल को फोन करके बता दो, कल आ रहे हैं उनके घर हम। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, ये फौरन फोन कर देगा। वैसे यार, तुम्हारा तो बेड़ा पार हो गया। कौन सा वजीफा पड़ा था कि मम्मी फौरन मान गई? अभी तो सिर्फ मैं जाऊंगी दुर्दाना को लेकर, पहले एमल को, घर वालों को देख लें, फिर आप लोगों को लेकर जाएंगे। मम्मी, मैं भी चलता हूँ ना आप लोगों के साथ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लड़का थोड़ी जाता है इस तरह से। पहले हम जाएंगे, घर देखेंगे, एमल को देखेंगे, फिर उन्हें दावत देंगे यहाँ आने की। हमारा घर देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मम्मी, आपका फैसला बहुत अच्छा, और अगर मेरा भाई खुश है तो इससे बढ़कर और क्या है। मेरा ख्याल है जल्दी फोन कर लो, इससे पहले कि मम्मी का मूड चेंज हो जाए। अच्छी बात नहीं कर सकते तुम, और चुप रहो। रुको शहरयार। What are you doing? Are you crazy? पागल हो गई हो तुम? तो तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? मैं किसी से भी मोहब्बत करूं, that's none of your concern, okay? तुम जानते हो तुम कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। उसके बावजूद भी? Listen, तुम मुझे पसंद करती हो, that is your problem, not mine. मैंने कभी भी तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैं एमल से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा, got it? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कैसे कर सकते हो? मैं बचपन से चाहती हूँ तुम्हें, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगी। लिसन, तुम्हें कभी भी ऐसी कोई हिंट नहीं दिया, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सोची तुम्हारे बारे में। तुम मेरी कजन हो, मेरी दोस्त हो, और इस रिश्ते को प्लीज यहीं तक रहने दो, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें एमल का कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं शहरयार। जल्दबाजी में कोई बेवकूफ कदम मत उठा लेना। तुम जानती हो मम्मी तुम्हारा क्या हशर करेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि इस हकीकत को तस्लीम कर लो और मुझे खुश रहने दो यार। क्रेजी। मैं तुम्हें कभी भी एमल का नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। परेशान मत हो, अभी आ जाएगा फोन। हाँ, तुम्हें तो इल्हाम हो जाता है ना।
देखा आ गया ना फोन, अब मान लो मुझे बाबा। अब अच्छा ठीक है, तुम बीच में बोलना मत, चुप रहना ओके, मैं कॉल रिसीव कर रही हूँ। हेलो। हाँ इमल, एक गुड न्यूज है, मम्मी मान गई। रियली? तो और क्या, मैं मजाक करूंगा तुमसे। आई कांट बिलीव, मतलब वो कैसे मान गई? मैंने उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। मैंने उनको ये बोला कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मानना ही पड़ा उन्हें। मतलब वो जबरदस्ती राजी हुई है क्या? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उन्हें मेहरोज भाई ने भी कहा था, और मम्मी मेहरोज भाई की बात कभी नहीं टालते। यानी कि मेहरोज भाई तुमसे ज्यादा अच्छे निकले? हाँ ये तो है, बहुत अच्छे हो। अच्छा सुनो, हम लोग कल आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तैयारियां कर लो। तुम लोग कल आ रहे हो? बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? मतलब टाइम बहुत कम है। एनी तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, मुझे तो आ रही है अब नींद, मैं लेटने लगा हूं, तुम बत्ती बंद कर देना। आ जाए। बेटा तुम अभी तक सो ही नहीं? बाबा मैंने कहा था ना वो लोग आएंगे, और वो लोग कल आ रहे हैं। कौन कल आ रहे हैं? अधूरी बात करना हमेशा। अरे शहरयार, शहरयार के घर वाले। अच्छा वही लड़का जिसके आप तुम जिक्र कर रही थी? अम्मी उसे लड़का लड़का बोलना तो बंद करें ना आप, भाई वो दामाद है इस घर का, वो भी होने वाला। अरे भी पहले उन्हें आने तो दो, दामाद कहां से हो गया? बाबा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? मैं बता रही हूँ वो बहुत अच्छा रिश्ता है। बेटा उन्हें आने दो, उन्हें देखेंगे मिलेंगे फिर कोई फैसला करेंगे ना। मुझे तो कल की तैयारी की फिक्र लग गई है, बड़े लोग हैं उनके शायाने शान तैयारी करनी पड़ेगी ना। कल आ रहे हैं वो, हम अभी से क्यों परेशान हो रही हैं? अरे भाई क्यों ना परेशान हो, तुम चली जाओगी कॉलेज, वो चली जाएगी ऑफिस, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना। अच्छा वो क्यों जाएगी कल? उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, उसे छुट्टी करवाए, घर के काम करवाए और बाहर मत निकलने दे, काला हो जाएगा ना धूप में। अच्छा बड़ी बी उसको मना कर देंगे दफ्तर जाने से, ठीक है? और तो परेशान मत हो, इंतजाम हो जाएंगे सारे। लेकिन कुछ ना कुछ घर पे बनाना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ हम बाहर से मंगवा के उनके आगे रख दे। ओफो अम्मी आपको कब समझ आएगी कि वो लोग आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं, ना कि आपके समोसे छोले पकौड़े। नहीं ना, मैं जा रही हूँ। सुने कैसी लड़की है, हवा के घोड़े पे सवार आ जाती है। ये सब कुछ आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। शहरयार का रिश्ता तय हो रहा है और आप यहाँ चुप कर बैठी हुई हैं। तो क्या करूं, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखकर तुम्हारा निकाह पढ़वा दूं उससे? ये सब महरोज की वजह से हो रहा है, उसी ने मनाया बाजी को, वरना वो कभी ना मानती। पता नहीं ये लड़का अजाब बन गया हमारे लिए, न मरता है न सामने से हटता है। फिलहाल आप शहरयार का सोचें, मैं बता रही हूँ आपको, अगर उसका रिश्ता यहाँ तय हो गया ना तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। खबरदार, एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं, दिन में तारे नजर आ जाएंगे तुम्हें। कह रही हूँ मैं, सबर करो, जो हो रहा है होने दो, हमें जहां जगह मिलेगी वहां खेल जाएंगे, समझ आ रही है? ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, पहले आपने ही शहरयार का नाम मेरे दिल में डाला था, और अब आप कितनी आसानी से कह रही हैं कि सबर करो, और खुद वहां जा रही है रिश्ता तय करने के लिए। मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, और वहां अपनी आंखों से देखोगी कि क्या होता है। मैं
बाजी से उनकी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी कि तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे पलट के, देख लेना। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहरयार हमेशा के लिए उस घर से बदज़ैन हो जाएगा और फिर मैं शहरयार के साथ शादी कर लूंगी। शहरयार के टूटे हुए दिल को सहारा मिल जाएगा ना, और फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ऐसा ही होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी। तुम जानती नहीं हो अपनी माँ को, तुम्हारी माँ किसी से कम नहीं है। चलो अब सोते हैं, बहुत लेट हो गया, लाइटें बंद कर दो। एड्रेस सही से समझ लिया? जी सर। ठीक है, गाड़ी निकाल। ओके सर। तुम दोनों भी जा रही हो? हाँ, तो मेरे भाई का रिश्ता हो रहा है, मैं क्यों ना जाऊं? और तुम भी जा रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम काफी दुख में होगी। दुखी हो मेरे दुश्मन, मैं तो तमाशा देखने जा रही हूँ। हाय माँ। मम्मी, जब ये दोनों जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अभी सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं, जब बाकायदा रिश्ता लेने जाएंगे तब तुम चलना। बल्कि उस वक्त तो शहरयार और महरूज भी चलेंगे हमारे साथ। अच्छा, और बाकायदा जाने का क्या मतलब होता है? माशाल्लाह से आप लोग की तैयारी तो पूरी है। वो लोग जितने भी कमतर हो, हमें तो अपना रख रखाव रखना है ना। मम्मी ऐसे तो मत कहें, वो लोग बहुत अच्छी फैमिली से हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और ये दुर्दाना कहाँ रह गई है? बुलाओ से जल्दी। अम्मी, मुझे तो लगा था तुमने काफी रोना पीटना लगाया होगा, लेकिन तुम तो काफी हिम्मत वाली निकली। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोता है और कौन नहीं। अम्मी जल्दी आए। हाय। कोई तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये सारी खवातीन इतनी नॉर्मल ना होती। अल्लाह खैर करे। शहरयार ने भी कहां आकर लड़की पसंद की। मुझे तो छोटे खानदान की लगती है खाला। हाँ भाई, ऐसे इलाकों में ऐसे ही खानदान रहते हैं। तुमने भी तो यही किया था ना, वकील का ना खानदान देखा ना घर, बस अड़ गई मैं तो शादी इसी से करूं। मम्मी, खाला की पसंद की शादी थी क्या? अरे भाड़ में जाए ऐसी शादी जिसमें ना खानदान देखा जाए ना घर। अम्मी तो शुरू से ही ना समझती खाला। अब देखते हैं शहरयार की पसंद कैसी होती है, जिसके लिए आप राजी भी हो गए। चुप करो है मां। वैसे बाजी, अगर यहाँ शहरयार की बारात लेकर आएंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। ओफो खाला, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम अभी अभी बारात लेके जा रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग अपनी फजूल बातें बंद करो, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे बाजी, आप खामखा अपनी तबीयत ना खराब करें, छोड़े। हम तो शहरयार की जिद पे यहाँ आ गए, कौन सा रिश्ता तय करके जाएंगे हम यहाँ से। एक तो जी आपका घर बहुत दूर था, ऊपर से बहुत ही तंग गलियां, बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे। मेरा ड्राइवर तो बहुत घबरा गया, ऐसा ना हो कि हमारी इतनी कीमती गाड़ी को बॉल लग जाए, खामखा नुकसान हो जाता। फाखरा बहन, वो करीब में कोई प्लेग्राउंड नहीं है तो बच्चे फिर सड़कों पर ही खेलते हैं। जी, इसी वजह से बच्चे माओ की नजरों के सामने भी रहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था, हम लोग तो कभी यहाँ आए नहीं, ना ही हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ जिसकी वजह से आना जाना होता। एनीवेज, आप एमल को बुला दीजिए,
आज मेरा बहुत बिजी डे था, मुझे एक और मीटिंग में भी जाना है। आंटी, अगर आज का डे इतना बिजी डे था तो आज आने की क्या जरूरत थी, आप कल आ जाती। रोज रोज मेरा ऑफिस से इस तरह से निकलना पॉसिबल नहीं होता। जाओ बेटा, जाके अमल को बुला के लाओ, मैं लेकर आती हूँ। आजकल के बच्चों को तो बड़ों छोटों से बात करने की तमीज ही नहीं। नहीं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। मेरी अनी तो बहुत कमजोर लड़की है, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हारी सासू ना बिल्कुल पागल है। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दी? जब से वो आई है बस शो ऑफ मारी जा रही है। हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो बड़ा घर है, हमारे पास तो ये गाड़ी है, हमारे पास तो वो गाड़ी है। अरे भाई, अगर अल्लाह ताला ने किस्मत से आपको एक अच्छी चीज से नवाज दिया है तो इतना शो मारने की क्या जरूरत है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, आप ये बताओ वहाँ सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन अब तक तुम्हारे रिश्ते की बात शुरू नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें तो अपनी तारीफों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। भाई तुमने तो कुछ नहीं कहा ना, पागल हो गई हो क्या? मैं मासूम भला क्या कह सकती हूँ किसी को। खैर, अम्मी बुला रही है, बल्कि सभी बुला रहे हैं बाहर। दुल्हन को बुलाए, दुल्हन को बुलाए। एनी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे भाई ये सब क्या है, तो अब डर लगेगा, चुप हो जाओ। क्या करूं? अच्छा ये तो बताओ, मैं ठीक लग रही हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल पुरानी वाली लग रही हो, कोई खास फर्क नहीं आया तुम में। हाँ तुम्हारे मतलब से तो मुझे बड़े बड़े झुमके पहनने चाहिए थे और लाल दुपट्टा सर पे रखना चाहिए था, है ना? भाई जब आएंगे हमारे ससुराल वाले फिर देखिएगा हम कैसे तैयार होंगे। चलो जल्दी करो। अच्छा सब पे तो दुपट्टा लेने दूँ? हाँ जी मैं ले लूँ। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा, जा बैठ। आप कैसी हैं? हाँ माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहरयार ने तुम्हारी तारीफ इतनी की थी कि हमें तो बहुत इश्तियाक था तुमसे मिलने का। जितनी तारीफ शहरयार ने तुम्हारी की थी ना, तुम तो उससे भी बढ़कर हो। हमें तो आपकी अमल बहुत पसंद आई है। अब आप लोग भी हमारे घर आए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बहन? मुझे आपकी छोटी बेटी एनी भी बहुत अच्छी लगी है अपने बेटे महरूस के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शहरयार के साथ साथ आप महरोज को भी अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई बहन। अरे इसमें ना समझने वाली क्या बात है, मैं अपने बड़े बेटे महरोज के लिए आपकी बेटी एनी का हाथ मांगना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में एनी को बुरा लगा या फिर शर्मा कर चली गई है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल हम ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और वैसे भी एनी छोटी है, अभी पढ़ रही है वो। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, शादी के बाद पढ़ लेगी,
मैं खुद इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगी। वैसे भी मैं तो बहुत बड़ी हामी हूँ लड़कियों के पढ़ने की। वो तो ठीक है बहन, लेकिन हम एनी से पूछ कर ही आपको जवाब देंगे। लेकिन ना नहीं सुनूंगी मैं भाई साहब। अच्छा है ना, दोनों बहनें एक ही घर में एक साथ रहेंगी। जी जी, मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। मैं और बैठती, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच बैठकर, लेकिन मेरी एक और मीटिंग थी तो इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप लोगों ने जहेज का कोई तरद्दुद नहीं करना। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आपकी दोनों बेटियाँ आ जाएं मेरे घर रौनक बनकर। बहन, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारी दोनों बेटियाँ इतने अच्छे घराने में जाएंगी। इंशाल्लाह जी, ऐसा ही होगा। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, चलो भाई। खुदा हाफिज। वाह भाई, अब तो तुम मेरी जेठानी बनोगी। चुप हो जाओ, ज्यादा फजूल मजाक मत करो। इसमें फजूल मजाक वाली कौन सी बात है भाई, हम दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो भाई, तुम्हारी तो मजबूरी है उस घर में जाना, लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त है कि मैं उस फजूल शौकी औरत को बर्दाश्त कर सकूं। अरे भाई, उनके पास इतना पैसा है ना, इसलिए उनके लहजे में थोड़ी मगरूरियत आ गई है। और तुम देखना, जब हम दोनों वहां जाएंगी ना, तो हम दोनों भी वैसी हो जाएंगी। अरे भाई, अगर वो शहरयार भाई की मॉमी है तो क्या उन्हें सब कुछ जायज है? एनी, तुम क्यों उनके पीछे पड़ गई हो? देखो, इतने अमीर होने के बावजूद भी वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई इस घर में, और साथ साथ तुम्हारा भी रिश्ता मांग लिया उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए। अगर इतना ही गुरूर होता ना, तो वो मेरे रिश्ते से भी इनकार कर देती। अच्छा जी, अगर वो रिश्ता लेकर आ गई है तो क्या उन्हें सात खून माफ होंगे? अब अम्मी और बाबा ही तुम्हें समझा सकते हैं। मैं उन्हें भी इनकार कर दूंगी। क्यों इनकार कर दोगी भाई इतने अच्छे रिश्ते को? कौन सा अच्छा रिश्ता? अरे भाई, वो एमल के लिए आए हैं तो एमल तक रहे ना, दूसरी बहन को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? यहाँ कोई बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर चल रही है। बेटा ठीक है, अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम उन्हें मना कर देंगे। बाबा, अगर उन्हें बुरा लग गया तो? बेटा, बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे, बेटी हमारी है, हमारी मर्जी, हम रिश्ता करें या ना करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि मेरे बाबा को इतनी समझ है, वरना इन दो खवातीन से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ तुम और तुम्हारे बाबा तो समझदार हैं, हम तो पागल हैं ना यहाँ पे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मना कर दिया आप लोगों ने तो शहरयार की मम्मी को कहीं बुरा ना लग जाए। क्यों भाई, क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी वो इन मैडम के रिश्ते के लिए आए हैं ना। भाई देखो, मुझे ना इस रिश्ते से दूर रखो। तुम्हें क्या हो गया है? बेटी हमारी अगर नहीं मान रही, नहीं पसंद उसे, तो ना करे। इतना अच्छा रिश्ता है। मैं कब कह रहा हूं कि बुरा है, लेकिन उसकी भी मर्जी तो होनी चाहिए ना। यार क्या कर कर आ गई मम्मी, आप तो वहां पर उनकी बेइज्जती करने गई थी और दूसरी बहन का भी रिश्ता ले आई। तुम नहीं समझोगी इसलिए खामोश रहो। भाजी, वैसे एक बात तो बताइए, आपने उस घर में ऐसा क्या देख लिया कि आपने महरोज का रिश्ता भी कर दिया? तुम लोग नहीं समझोगे। वैसे इसी बहाने महरोज की भी शादी हो जाएगी, तो इसमें क्या मुजायका है? मम्मी, ये जानते हुए कि महरोज भाई को ब्रेन ट्यूमर है, आप उनका रिश्ता कैसे मांग सकती हैं? क्यों नहीं मांग सकती? महरोज को शादी का हक नहीं है क्या? और अगर वो इस रिश्ते के लिए ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। और अगर ना माने तो मैं एमल के लिए भी इनकार कर दूंगी। वाह बाजी वाह, क्या खेल खेला है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुड। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं लोगों के साथ खेल खेलती हूँ? वो मेरा मतलब है बाजी, के आपने बहुत अकलमंदी की बात की है।
अपना मतलब अपने पास रखो और खामोश रहा करो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हेलो, हाय मिल, कैसा रहा सब कुछ? मम्मी ने ठीक से बात तो की ना सबसे? शहरयार, तुम्हारी मामा तो बहुत अच्छी हैं, बहुत मोहब्बत दी उन्होंने। रियली? हाँ, और तुम्हें पता है उन्होंने एनी का रिश्ता भी मांगा है महरोज भाई के लिए। व्हाट, आर यू सीरियस? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मामा घर पहुंचने वाली हैं, तुम खुद पूछ लेना उनसे। नहीं, आई मीन महरोज भाई के लिए एनी का रिश्ता, हाउ इज दैट पॉसिबल? घर पे तो कोई ऐसी बात नहीं की मम्मी ने। मुझे क्या पता शहरयार, तुम्हारी मामा ने कुछ सोच समझ कर ही मांगा होगा। या आई विल स्पीक टू यू लेटर, मैं करता हूँ, बाय। लेकिन शहरयार मेरी बात, शहरयार क्या बात है भाई, मैडम का मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं। शहरयार भाई को बताया उनकी मॉमी के कारनामे? हाँ बताया था, वो तो खुद हैरान हो गया, कह रहा है घर में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। चलो जी कर लो बात। वैसे मुझे ना शहरयार की मम्मी थोड़ी खड़ूस लगती हैं, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कहीं वो इनकार का सुनकर खफा ना हो जाए। अरे भाई इनकार करती हैं तो कर दे, और ये कौन सी जबरदस्ती है? जिसके लिए रिश्ता लेकर आए थे उसकी तरफ से तो हाँ है ना, फिर क्या मसला है? मसले वाली बात तो है ना, अगर उन्होंने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया फिर। यार कितनी तुम खुदगर्ज हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। हाँ तो जाहिर है ना, शहरयार का रिश्ता मेरे लिए आया था, बीच में तुम्हारा रिश्ता मांग कर ना उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया खामोखा। शहरयार भाई कह क्या रहे? बात ही नहीं हुई, बीच में ही कॉल कट हो गई। भाई अब तुम क्यों फिक्र कर रही हो, तुम्हारी सासू माँ जब दोबारा आएंगी तो हैंडल कर लेंगे मसले को। वैसे ना अब शहरयार बता रहा था कि महरोज भाई बहुत अच्छे हैं, काफी हैंडसम भी हैं, अपना बिजनेस भी वो खुद संभालते हैं सारा, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मुझे पता है तुम बातें क्यों कर रही हो, ताकि मेरा माइंड वहां सेट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सो जा चुप करके। अच्छा ठीक है सो जाओ, लेकिन प्लीज महरोज भाई के बारे में सोचना जरूर, और ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। मम्मी आप वहां क्या करके आई हैं? आपने उन लोगों से महरोज भाई का रिश्ता मांग लिया? अच्छा तो ये बात तुम तक पहले पहुंच चुकी है। मम्मी आपने जो भी किया ना वो सब बहुत गलत है। और क्या आपने उन्हें महरोज भाई के ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया? नहीं। और ये अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तो फिर क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने दोनों रिश्तों के लिए हाँ कर दिया? तुम्हारे लिए तो पहले ही हाँ है, अब कल जब बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर मिठाई लेकर जाएंगे तो महरोज के लिए भी हाँ हो जाएगी। क्या महरोज भाई के लिए भी? क्यों, इसमें क्या बुराई है, क्या कमी है मेरे महरोज में? उनमें जो कमी है वो आप अच्छी तरह से जानती हैं।
खून सफेद हो गया तुम लोगों का। तुम लोगों को अपने भाई से जरा भी मोहब्बत नहीं। अरे तुम लोगों को उसकी खुशी की जरा भी परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाई, महरोज भाई से हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप एनी के बारे में भी तो सोचें, उसका क्या कसूर है? तुमने एमल को महरोज की बीमारी के बारे में बताया क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मम्मी एक बात बताएं, अगर उन लोगों को मालूम हुआ भी तो आपको क्या लगता है, वो लोग इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? पैसे में बड़ी ताकत होती है, वो लोग इनकार नहीं करेंगे। बेटियां किसी को भारी नहीं होती मम्मी, कि लोग एक ऐसे शख्स को अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएं जो। हाँ हाँ, कह दो कि एक मरते हुए शख्स को कौन अपनी बेटी देगा? शेरियार तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने अपने सगे भाई के लिए अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालते हुए? सॉरी मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आप दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं, रुला दिया ना आप लोगों ने मामा को। बहुत बुरी बात है, एक लड़की के लिए अपनी माँ का दिल दुखा रहे, अपने भाई के लिए ऐसे अल्फाज बोल रहे। खाला प्लीज, मेरी बात को गलत रंग ना दें, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। खुदा के लिए मम्मी, खुद गर्ज बन के नहीं, बाप बन के सोचिए। आप खुद बताएं, क्या फरिया के लिए आप इस तरह के लड़के का इंतखाब करेंगी जिसको ब्रेन ट्यूमर हो? क्या आप चाहती हैं कि दोनों रिश्तों से इनकार हो जाए? तो फिर ठीक है, एमल और शहरयार का रिश्ता भी नहीं होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या बात हुई मम्मी, आप मेरा रिश्ता क्यों दांव पर लगा रही? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ महरोज का घर भी बसता हुआ देखना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, आप जरूर दें रिश्ता, लेकिन एक बात याद रखें, अगर वहां से इनकार हुआ तो शर्मिंदगी आप ही को उठानी पड़ेगी। वो लोग रिश्ते के लिए कभी भी इनकार नहीं करेंगे। और हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम लोग, उन लोगों को महरोज की बीमारी के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। और खास तौर पर तुम शहरयार, अपनी जुबान बंद रखना। क्या मतलब है आपका, आप उन लोगों से महरोज भाई की बीमारी छुपाएंगी? इसी सूरत में तुम्हारा रिश्ता हो सकता है एमल के साथ, और अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारा और एमल का रिश्ता भी खत्म हो सकता है। यहाँ क्यों बैठे? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था, बाहर बैठूं। एक बात करनी थी आपसे। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सब हो क्या रहा है। Even I don't understand कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्यों सारी बात खुल के सबके सामने नहीं कर देती। तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में भी पता है, लड़की की जिंदगी तबाह हो रही है, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये खुद गर्जी नहीं है तो और क्या है? माँ है आपकी, ये सब आपकी बेहतरी के लिए ही कर रही हैं। मैं जानता हूँ मेरी खुशी के लिए वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन बात तो तुम्हारी शादी की चल रही थी यार, मैं कहाँ से बीच में आ गया? मेरी जिंदगी के बारे में तो वैसे भी कुछ नहीं पता कि आज हूँ कल नहीं। प्लीज महरोज भाई, इस तरह की बात मत करें। मम्मी जो भी कर रही है ना, उससे मुझे जितनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं मेरे लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकता।
आप प्लीज बात करेंगे मम्मी से, समझाएंगे उन्हें? देखो मुझे एहसास है इस बात का, और मैंने तो फैसला कर लिया कि मम्मी अगर मुझसे मेरी रजामंदी पूछेंगी तो मैं तो साफ इनकार कर दूंगा। और जहां तक रही तुम्हारी बात, तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। थैंक यू महरोज भाई। अब आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया? हाँ, वो बदर से कहना यही है, मैं भिजवा देती हूँ।